हेलो फ्रेंड्स, मेरा भी फिजर है। आज आपके लिए 3+1 एफएल कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ। पहला मेन एफएल है श्री रामचक्र एफएल, सेकंड एफएल है डायनेमिक लेवल एंड थर्ड एफएल है मॉर्निंग ब्रेकआउट लेवल। तो अभी आपको निफ्टी, ये जो मेरे सामने अभी आप चार्ट ओपन देख रहे हैं, निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। 8,353 चल रही है, आज की 13 बज के अभी का, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट है। तो अब मैं आपको स्टार्ट बढ़ेंगे बता दो चार्ट किस तरह काम करता है। पहले जिस तरह डिस्प्ले में उसी तरह मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जब बाई या सेल में आ गया तो आपको यहाँ से तो इंडिकेटर से अप या डाउन इंडिकेटर से पता चल जाएगा। उसके बाद आपको 2 स्टॉप लॉस मिलेंगे। एक स्टॉप लॉस रहेगा स्टाइलिंग स्टॉप लॉस, जो आपको ये रोज लाइन है उसके अंदर मिलेगा। सेकंड, जो ब्लू लाइन के अंदर जो आप देख रहे हो, ये डायनेमिक लेवल लाइन है जो एक अलग से वर्क करती है, इसे आप डायनेमिक लेवल बोलते हो, ठीक है। डायनेमिक लेवल की स्टॉप बनता है और 1, 2 एंड 3 टारगेट जो भी स्क्रीन के अंदर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो डायनेमिक लेवल है वो पूरी लाइन में मिलेगी आपको। और आप जो डॉट लाइन देख रहे हो, डॉट लाइन, ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लाइन है, ठीक है। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लाइन अब किस तरह वर्क करती है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जब हम मार्केट ओपन होती है और हम अगर बाय के अंदर देखते हैं, तो बाय का लेवल 10:50 के आसपास आया हुआ है, ठीक है। आज का 10:50 के आसपास बाय का लेवल आया, लेकिन बाय का लेवल आने के बाद मार्केट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के नीचे ट्रेड कर रही है। तो उस टाइम जो नॉन रिस्की ट्रेडर है उसे मार्केट को बाय के लिए अवॉइड करना है। बाय को तभी करना है जब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ब्रेक कर देता है तभी, ठीक है। तब तक इसे बाय लेवल इग्नोर कर दो। जो हाई रिस्की ट्रेडर है बाय कर सकते हैं, और वो बाय करेंगे तो किसके साथ, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा डायनेमिक लेवल का सपोर्ट लाइन के साथ, लो रिस्क लो प्रॉफिट और सॉरी लो लॉस के साथ। लेकिन कोई बड़ा ट्रेडर है और वो अच्छा बड़ा प्रॉफिट भी अर्न करना चाहता, बड़ा लॉस के सहन करने कैपेबल है, तो रोज लाइन का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। अभी तो मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है, और कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहता है तो इसके अंदर डे चार्ट बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको डे चार्ट लगा देता हूँ, उसके अंदर भी डायनेमिक लेवल काम करेगा। ये आपको करीबन 1 महीने के आसपास का ये आराम से व्यू देता है। आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर सेल खड़ा है 8,612 से, कितने टाइम पहले का सेल खड़ा है। अगर हम वहाँ पे 17/10/2016 से, तब से निफ्टी के अंदर सेल आया, अभी तक निफ्टी के अंदर सेल ही है। और आप इसके अंदर देख सकते हो बाई सेल जो बीच में आ रहा है वो हमारा डायनेमिक लेवल के स्टॉप हिट होते इसके लिए वहाँ से होता, आप देख सकते हो। लेकिन हमारा मेन श्री चक्र यहाँ से ही सेल है, रोज लाइन यहाँ से ब्रेकआउट की है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस काउंट होता है इसी के साथ काउंट होता है। तो आप खास ध्यान रखना कि जब बाय सिग्नल आए तो हमें इस रोज लाइन से ही फॉलो करना है, न कि डायनेमिक लेवल के बाय सेल से, ठीक है। डायनेमिक लेवल तो और बार बाय सेल देता रहेगा, क्योंकि मैं आपको फिर से 5 मिनट चार्ट लगा दे, क्योंकि अगर मार्केट ब्लू लाइन ब्रेक कर दे नीचे चली जाती तो वहां से डायनेमिक लेवल बोलेगा मार्केट शॉर्ट में आ गई है। और आपको इसका थोड़ा मैं बार रिप्ले बता देता हूँ, अगर आपको बार रिप्ले देखना है तो हम बार रिप्ले करते हैं 5 मिनट के, बार रिप्ले करते हैं 5 मिनट 5 सेकंड। बहुत ज़्यादा दिन का मैं नहीं करूँगा, दिसंबर और पहले दिसंबर के 1 महीने का बार रिप्ले लगाता हूँ। और देखो एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप बाय में हो, और जैसे यहाँ पे कलर चेंज हो गया कैंडल का,
ठीक है, जब कलर चेंज होता है आपका कैंडल का, तो अगर आप दो दो लॉट के साथ काम करते हो तो एक लॉट से एग्जिट कर दो और एक लॉट से कंटिन्यू बने रहो और दूसरे लॉट से तभी एग्जिट होना जब कंप्लीट सेल सिग्नल आ जाए। ठीक है, आप देख सकते हो एक सेकेंड में 110, 109, 108 तक का प्रॉफिट चला जाता है वो 5 मिनट के अंदर ही, तो वेरी बेस्ट इंडिकेटर है। तो आप इसी तरह इस इंडिकेटर यूज के आराम से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा बोल सकते हैं और या तो हमारी सिनर्जी एंटरप्राइज वेबसाइट है omzion.com, वहाँ से भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या मेरा फेसबुक आईडी लॉगिन कर सकते हो, रवि फीचर या सोनी, अदरवाइज हमारा अमीब्रोकर AFL करके पेज भी चलता है फेसबुक पे, वहाँ से भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।